हाँ तो बच्चों, पिछले 4-5 दिन से हम लोग मूल अधिकारों के ऊपर चर्चा कर रहे थे और आज की क्लास में इन मूल अधिकारों का मूल्यांकन करेंगे और साथ के साथ जो संविधान में बाद में मूल कर्तव्य जो जोड़े गए हैं उनके बारे में भी आपको बताएं। तो मूल अधिकार 6 हैं, इनकी हम चर्चा कर चुके हैं। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार है, 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है, 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है, 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, 29 और 30 कला और संस्कृति से संबंधित अधिकार है और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इन अधिकारों की प्रत्येक की हमने प्रत्येक अनुच्छेद के हिसाब से इनके एक्सप्लेनेशन हम कर चुके हैं, तो आज हम इनका मूल्यांकन करें। तो भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार दिए गए हैं उनकी आलोचना भी कई हिसाब से की जाती है, तो इनमें मुख्य मुख्य जो आलोचनाएं हैं उनको हम देख सकते हैं। सबसे पहली आलोचना ये की गई है कि इसमें कुछ ऐसी बातों को छोड़ दिया गया है जिन्हें मौलिक अधिकार घोषित किया जाना चाहिए। इस श्रेणी में काम करने का अधिकार, कुछ परिस्थितियों में राज्य से सहायता प्राप्त करने का अधिकार और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार आदि को रखा जा सकता है। लेकिन इस प्रकार की आलोचना करने वाले भूल जाते हैं कि किसी भी देश के संविधान द्वारा देश में विद्यमान साधनों के आधार पर ही फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं और भारत राज्य के पास इतने आर्थिक साधन नहीं थे कि अब तक भी इन अधिकारों को लागू किया जा सके। इतना होने पर भी भारतीय संविधान के निर्माता इन अधिकारों की ओर से उदासीन नहीं थे, इसलिए उन्होंने इन अधिकारों को उन नीति निर्देशित तत्वों में स्थान दिया जिन्हें लागू करना शासकों का परम कर्तव्य समझा गया है। द्वितीय आलोचकों का यह कहना है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों के साथ कितने अधिक अपवाद और प्रतिबंध लगा दिए गए हैं कि यह समझना भी कठिन है कि व्यक्ति को मौलिक अधिकार में से क्या मिला। संविधान सभा में ही सरदार हुकम सिंह ने कहा था कि यदि हम स्वतंत्रताओं को व्यवस्थापिका की इच्छा पर छोड़ देते हैं तो एक राजनीतिक दल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, तो इन स्वतंत्रताओं के अस्तित्व में भी संदेह हो जाएगा। इस वर्ग के आलोचक कहते हैं कि संविधान एक हाथ से मौलिक अधिकार प्रदान करता है और दूसरे हाथ से प्रतिबंधों के माध्यम से वापस ले लेता है। लेकिन इस प्रकार के आलोचक ये भूल जाते हैं कि असीमित स्वतंत्रता और अधिकार प्राप्त करना प्रदान करना न तो संभव है न ही हितकर। मौलिक अधिकारों पर जो प्रतिबंध लगाए जाएंगे उनका औचित्यपूर्ण होना आवश्यक है और प्रतिबंधों के औचित्य के निर्णय की शक्ति व्यवस्थापिका या कार्यपालिका को नहीं वरन न्यायपालिका को प्रदान की गई है। तीसरे इस हिसाब से आलोचना की जाती है कि संविधान के द्वारा संकटकालीन परिस्थितियों में कार्यपालिका को मौलिक अधिकारों के स्थगन का जो अधिकार दिया गया है और संकट काल के अतिरिक्त सामान्य परिस्थितियों में भी निवारक निरोध की जो व्यवस्था की गई है वह कटु आलोचना का विषय रही है। हरि विष्णु कामत ने इन व्यवस्थाओं का विरोध करते हुए संविधान सभा में कहा था कि इस व्यवस्था द्वारा हम तानाशाही राज्य की और पुलिस राज्य की स्थापना कर रहे हैं। इस प्रकार संविधान सभा के सदस्य श्री सोमनाथ लाहिड़ी ने कहा था कि भारतीय संविधान में
मौलिक अधिकारों की व्यवस्था पुलिस के सिपाही के दृष्टिकोण से की गई है, न कि एक स्वतंत्र तथा संघर्षपूर्ण राष्ट्र के दृष्टि से। लेकिन संविधान की व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हुए यह ध्यान रखा जाना चाहिए था कि राष्ट्र की सुरक्षा व्यक्ति की स्वतंत्रता से कहीं अधिक मूल्यवान है। शासन को मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण का आधार अधिकार केवल आकस्मिक परिस्थितियों में ही प्राप्त है और ऐसी परिस्थितियां अल्पकालिक ही होती हैं। इस दृष्टि से मौलिक अधिकारों के स्थगन की स्वतंत्र व्यवस्था स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने मौलिक अधिकारों के स्थगन की व्यवस्था को के संबंध में संविधान सभा में कहा था, यह व्यवस्था अत्यंत ही आवश्यक है। यही व्यवस्था संविधान का जीवनी होगी, इसे प्रजातंत्र की हत्या नहीं अपितु रक्षा होगी। तो इस प्रकार से कुछ आलोचनाएं हैं, मगर इन आलोचनाओं का कोई सार नहीं है। अब क्या है कि मूल कर्तव्य के ऊपर हम टिप्पणी करते हैं, डिस्कस करते हैं कि आपके मूल अधिकार हैं, मगर मूल अधिकारों के साथ साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए। तो मूल जो भारत का संविधान बना था उनमें कर्तव्य के ऊपर कोई जोर नहीं दिया गया था, लेकिन 1976 में संविधान का एक व्यापक संशोधन करते समय यह अनुभव किया गया कि संविधान में नागरिकों के कुल के मूल कर्तव्यों का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। अतः संविधान के भाग चार के भाग चतुर्थ के भाग चतुर्थ के जोड़ा गया, जिसमें मूल 10 कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। वर्ष 2002 में अभिभावकों के लिए 4 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने का कर्तव्य जोड़ देने से अब कुल 11 कर्तव्य हो गए। और ये जो मूल कर्तव्य की जो कंसेप्ट है, ये भारतीय संविधान ने रशिया के संविधान का क्या है कि अनुसरण करते हुए मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। तो ये जो 11 जो मूल कर्तव्य हैं उनको आप सुन लीजिए। पहला है, भारत के नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे बनाए रखें। अगला है, देश की रक्षा करें और आह्वान होने पर राष्ट्र की सेवा करें। अगला है, भारत में के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। अगला, हमारी समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका संरक्षण करे। अगला है, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और अन्य जीव भी हैं, रक्षा करे, उनका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखे। अगला है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करे व हिंसा से दूर रहे। अगला है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों से सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयत्न करे, जिसे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नवीन ऊंचाइयों को छू सके। अगला है, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 51 क में संशोधन करके खंड ए के बाद खंड ट के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने के उद्देश्य से अभिभावकों के लिए भी यह कर्तव्य किया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। जापान इटली चाइना और अन्य यूरोपियन देशों के संविधानों में अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी उल्लेख है।
और अब भारत में भी नागरिक कर्तव्य के उल्लेख से यह आशा बन गई है कि भारतीय नागरिकों को अपने कर्तव्यों का अधिक स्पष्ट रूप से बोध होगा और वे अधिक अच्छे रूप से इनका पालन करेंगे। और अब ये जो मूल कर्तव्य हैं, इनका मूल्यांकन अगर किया जाए तो ये कहा जाता है कि इन मूल कर्तव्यों को बाध्यकारी शक्ति नहीं है। अगर आप किसी मूल कर्तव्य को नहीं मानते हो तो इनका आपको पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता, लेकिन कुछ हिसाब से इनकी आलोचना की जाती है। कुछ कर्तव्य सर्वथा अस्पष्ट हैं। आलोचकों का कहना है कि संविधान में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिनका अर्थ एकदम स्पष्ट हो, परंतु कर्तव्यों वाले भाग में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिसका मनमाना अर्थ लगाया जा सकता है, जैसे मिली जुली संस्कृति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अन्वेषण, सुधार की भावना तथा मानवतावाद, ऐसे शब्द हैं जिनके अर्थ सर्वथा अस्पष्ट है। कुछ कर्तव्यों को दोहराया गया है और बड़ी बात यह है कि कर्तव्यों को लागू करने के लिए दंड व्यवस्था का अभाव है। स्वर्ण सिंह समिति ने सुझाव दिया था कि मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को दंड दिया जाना चाहिए और उनके लिए संसद उचित कानूनों का निर्माण करे, परंतु अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया गया है। वास्तव में कर्तव्यों के वर्तमान रूप को देखते हुए दंड की व्यवस्था की ही नहीं जा सकती। तो ये बच्चों मूल अधिकारों का मूल्यांकन था, साथ ही जो मूल जो कर्तव्य हैं जो शुरू में 10 थे 2002 के बाद में जो अमेंडमेंट किया गया उसके बाद में इनकी संख्या 11 हो गई है। हालांकि सही है कि मूल कर्तव्यों को के पीछे दंडात्मक शक्ति का अभाव है, मगर इसके बावजूद भी एक नागरिक के रूप में, एक जिम्मेदार सिटीजन के रूप में, एक मानव के रूप में हम सभी का यह कर्तव्य है कि हम सभी अपने देश से प्रेम करें, देश की सभी जो संस्थागत व्यवस्थाएं हैं उनका सम्मान करें, भाईचारे से रहें, पर्यावरण के प्रति क्या है कि अच्छे विचार रखने चाहिए, पर्यावरण सुधार के लिए काम करने चाहिए, वन्य जो जीव हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए और जो गरीब हैं, बेसहारा है, अनाथ है, लाचार है, विकलांग है, वृद्ध है, महिला है, उनके हितों का भी संरक्षण किया जाना चाहिए। तो ये इंट्रोडक्शन था थोड़ा मूल अधिकार और फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ मूल कर्तव्यों का। आशा की जाती है कि आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई दिक्कत है तो आप व्हाट्सएप पे प्रश्न पूछ सकते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।